पिंपरी चिंचवड शहरात एटीएम लुटणाऱ्या टोळीला वाकड पोलिसांनी बेड्या ठोकल्यात. 6 आरोपी अटक करत 20 ते 22 लाखाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय. स्थानिक तरुणांच्या मदतीने हरियाणामधून येऊन महाराष्ट्रात एटीएम फोडणाऱ्या एका टोळीला वाकड पोलिसांनी अटक केली आहे. पिंपरी चिंचवड शहरातील एटीएम फोडीचे 8 गुन्हे उघडकीस आले असून चोरट्यांकडून 3 लाखाची रोकड, 3 कार, दुचाकी असा सुमारे 20,20,000 रुपयाचा ऐवज जप्त केलाय. एटीएम मध्ये पैसे भरताना ते विशिष्ट दोऱ्याने बांधून आणले जातात. नोटांच्या बंडलाला बांधलेला दोरा एटीएम मधील कचरा कुंडीत दिसला की समजायचं आत्ताच कॅश भरली आहे असा त्यांचा प्लॅन होता. काळेवाडी येथील एटीएम फोडण्यापूर्वी चोरट्यांनी संपूर्ण पिंपरी चिंचवड परिसर पालता घातला होता. काळेवाडी येथील एका एटीएम मधून कचरा कोंडीत चोरट्यांना नोटांना लावलेला जाणारा विशिष्ट दोरा आढळून आला. त्यानंतर चोरट्यांनी काळेवाडी येथील एटीएम फोडले. यामध्ये आरोपी हे चक्क विमानाने ये जा करत होते. 6 आरोपी हैं, इसमें 3 आरोपी जो हैं अभी हरियाणा के हैं, डिस्ट्रिक्ट पलवल के, और 3 आरोपी लोकल हैं. और इनसे हमने 8 केसेस एटीएम के डिटेक्ट किए हैं. करीब 20-22 लाख की रिकवरी है, उसमें गाड़ियां भी हैं और भी इनका साहित्य है जिससे ये सिलेंडर वगैरह जिससे गैस कटिंग करते थे. और ये पूरा इनका इंटर स्टेट गैंग है. इन्होंने हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली सब जगह ऑफेंसेस किए हैं. पिंपरी चिंचवड़ में इनके कुछ लोकल संबंध थे जिसकी वजह से ये पिंपरी चिंचवड़ आने लगे थे और इनको सक्सेस भी मिल गई थी 2-3 बार. तो पिंपरी चिंचवड़ इसलिए इन्होंने टारगेट किया, लोकल लोगों के माध्यम से सिलेंडर और गैस कटिंग इक्विपमेंट वगैरह अरेंज करते थे और उसके बाद जो है अपने ऑफेंस को अंजाम देते थे. कुछ आपराधी प्लेन से भी आते थे आपने कहा, हाँ, और किस तरह से ये चोरी करते हैं? नहीं, अपना ये गैस का एटीएम को गैस सिलेंडर से काट के उसका पैसा निकाल के चले जाते थे.